डेवलप करते हैं एज ह्यूमन बींग्स, आगे चल के वो जिंदगी में अच्छे इंसान बने, आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़े रह सके, आगे चल के वो इज्जत की जिंदगी जी सके, आगे चल के वो दूसरों के बारे में ध्यान रखे, आगे चल के वो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके, आगे चल के वो किसी की मदद कर सके, दिस इज व्हाट वी शुड डेवलप ऑफ आवर चिल्ड्रन। ये मेरी फीलिंग है, मैं जहां भी देखता हूं, ये मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं छोटा था, जब से हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जब से बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा घर आता है, हम बच्चे को पूछते हैं भाई मार्क्स कितने मिले, फर्स्ट आए कि सेकंड आए, बोलता सेकंड आए, तो अरे फर्स्ट नहीं आए, डांट पड़ती उसको। जो बोलता है मैं टेंथ आया, तो उसकी तो हालत ही बुरी हो जाती है। बच्चे को लगता है यार ये फर्स्ट आना बड़ा जरूरी है। उसको रेस में हम पूछते हैं तुम रेस में फर्स्ट आए कि सेकंड आए, मैं हम उसको बचपन से, जब से वो केजी लोअर केजी में होता है, जब लोअर केजी में रेस होती है, चमचा मुंह में लगा के उसमें नींबू डाल के भागते हैं, उसमें भी हम बच्चे को पूछते हैं अरे मेरा बेटा फर्स्ट आएगा, ला बेटा मेरा फर्स्ट आना, मतलब पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं बेटा आप भागो, मतलब नींबू लेके भागो। तो उसमें होता क्या है कि बच्चे को लगता है यार ये बड़ा जरूरी है। मेरे पेरेंट्स को हमेशा, मेरे पेरेंट्स मुझे एक ही सवाल पूछते हैं, मैं फर्स्ट आया कि नहीं। उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि मेरे को अव्वल आना है, मेरे को कंपीट करना है, मेरे को बाकी लोग से आगे निकलना है। टीचर्स भी यही सवाल उसको पूछते हैं आमतौर पर, ये मेरे साथ हुआ है। होता क्या है कि जब वो बच्चा 21 साल का होता है तो वो बड़ा सेल्फिश हो जाता है, और उसको सेल्फिश हमने बनाया, हमारे सिस्टम ने बनाया। वो अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि यही हमने उसको ट्रेन किया बचपन से। बचपन से हमने उसको यही ट्रेन किया कि बेटा तुम पहले आना, बाकी सब लोग को भूल जाओ। तो जब वो नौजवान बनता है तो उसका नजरिया सोसाइटी की तरफ यही हो जाता है कि भैया मुझे आगे बढ़ना है, बाकी सब बाय हुक और बाय क्रूक आई मस्ट सक्सीड, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स। मेरा ये दिल चाहता है कि अगर हम जितने यहां पेरेंट्स हैं, एडल्ट्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो कल जाके पेरेंट्स बनेंगे, अगर हम अपने बच्चों को ये सीख दें जब वो छोटे हैं, जब वो घर आए, हम उसको ये सवाल पूछें, ये नहीं पूछें कि मार्क्स कितने मिले, उसको ये पूछें कि बेटा आज तुमने किसकी मदद की, आज तुमने किसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई, अगर हम उसको ये पूछें तो उसको ये लगेगा कि यार जरूरी ये है। मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा ये पूछते हैं, मार्क्स का तो कभी पूछते नहीं, वो मुझसे ये पूछते हैं कि भैया तुमने किसको हेल्प किया आज। तो हेल्प करना लोगों को, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली वो इस चीज के साथ बड़ा होगा, स्कूल वही जाएगा, पढ़ाई लिखाई वही करेगा, वो उसका नजरिया थोड़ा बदल जाएगा। जब वो बच्चा नौजवान बनेगा, 21 साल का होगा, और सारे बच्चे उस उम्र के जब 21 साल के होंगे, हमारी सोसाइटी चेंज हो जाएगी।